उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक युवक को कुछ दबंगों का विरोध करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद दबंगों ने युवक को अगवा कर चारपाई से बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक दिए। इतना ही नहीं, दबंगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया। फिलहाल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। पीड़ित के परिजनों की माने तो कुछ लोग सब्जी मंडी इलाके में आपत्तिजनक बात कर रहे थे। जब शिव कुमार ने इस पर आपत्ति जताई तो धमकी देने लगे। दूसरे दिन इन लोगों ने युवक का अपहरण कर लिया और एक तबेले में उसे दिन भर इलेक्ट्रिक शॉक देते रहे। युवक की हालत गंभीर होने पर बदमाश उसे रास्ते में छोड़कर भाग गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, एमएलसी रिपोर्ट में, उसके बाद उसका उपचार कर रहा हूँ। मरीज लेथार्जिक पोजीशन में है और इस पे जो विजिबल इंजरी है वो सिंपल नेचर की दिख रही है, लेकिन उसके पैरों में, दोनों पैरों के अंगूठे और उससे सटी जो सेकेंड टो होती है उसमें एक छोटे छोटे एब्रेजन दिख रहे हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं। वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, उसके बारे में मेरा अनुमान मैं नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो क्यों हुआ है। इसके लिए मैंने उसको फिजिशियन और सर्जन को रेफ़र कर दिया है। गाँव है जहांगीरगंज, वहाँ कुछ दबंगों ने शिव कुमार वर्मा, जो जिसको करंट का शॉक दिया गया है, उसको ले जाकर करंट का शॉक दिया। और उसका विरोध सिर्फ इतना था कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भद्दे भद्दे शब्दों में गालियां बक रहे थे। उसका उसने प्रतिवाद किया और यह प्रतिवाद करते समय इसके लिए उसको धमकी दी गई कि एक दिन बाद मैं तुमको बताता हूँ। 12 तारीख को यह घटना घटती है कि यहाँ प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को भद्दे भद्दी गालियाँ बक्की जा रही हैं। उसके बाद 13 तारीख की रात में यह कांड होता है। भोर में कुछ दबंग जो है वो उठाकर लेकर जाते हैं और लोहे की चारपाई पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। उसको अधमरा करने की स्थिति में रात 7 बजे उसको छोड़ा जाता है। यही पूरा प्रकरण है। तो क्या नाम से अयूब यूसुफ के घर के लड़के थे कपड़े वाले, वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी और योगी का राज आ गया है, भाजपा लोग का हिंदू का वोट दिए, पूरा जीत गए, भाजपा शासन आ गई और उसके बाद बुचल खान बंद करवा दिया। योगिया मोदिया का गाली क्यों दे रहे हो, हैं उसी पे जो है मुझको लगे गाली देने, मुझको बोल रहे कल तुमको पता चलेगा। उनके घर पे, उनका जो क्या नाम से भैंस का घर है तबेला, उसमें कमरे में ले जाकर लाइट का इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे और मुझको मारे हैं। यहाँ पे उंगली काटे चाकू से,